Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. In this video, we will discuss what to read in the Hindu and Indian Express for 20th of November 2020. So, this is an initiative of Abhimanyu's IAS to guide you what to read and what not to read in everyday's newspaper. So, starting for today, front page of the Hindu, सबसे पहली न्यूज है टेरर फंडिंग सईद गेट्स 10 इयर्स इन जेल. सो हाफिज सईद ऑफ जेयूडी और जमात उद दावा हैज बीन कन्विक्टेड बाय एन एंटी टेररिज्म कोर्ट इन पाकिस्तान और वो एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जिसके ऊपर $10 मिलियन का प्राइज मनी लगी हुई है. सो नाउ ही हैज बीन कन्विक्टेड बट दिस इज डन In light of the Financial Action Task Force requirements, अगली फरवरी में Financial Action Task Force, जो कि एक intergovernmental international organization है, Financial Action Task Force money laundering और terror financing को रोकने के लिए steps उठाती है और पाकिस्तान इसके बहुत सारे criterias को fulfill नहीं करता. जिन criterias को पाकिस्तान fulfill नहीं करता उनमें से एक है taking action against UN designated terrorists. तो उस डायरेक्शन में ये एक स्टेप की तरह देखा जा रहा है इसको दैट इट इज नॉट एक्चुअली कन्विक्शन अगेंस्ट अ टेररिस्ट इट इज एक्चुअली अ प्लॉय बाय पाकिस्तानी अथॉरिटीज टू गेट पास द एफएटीएफ प्लेनरी. तो फरवरी में जो मीटिंग होने वाली है पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्टेड है एफएटीएफ की लिस्ट पर और अगर फरवरी तक पाकिस्तान सारे क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं करता तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा. तो उसी में से एक क्राइटेरिया था टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शन लेना. And finally, for the first time, Jamaat-ud-Dawah chief Hafiz Saeed has been sentenced to 10 years imprisonment in terror financing case. तो UN की एक committee है जो कि terrorists को designate करती है और उस designation में बहुत सारे terrorists आते हैं पाकिस्तान के, including Hafiz Saeed. So this is a very hearty development, but it remains to be seen what will be the long-term effect or long-term result of this particular conviction, whether it is an eyewash. और इट इज एक्चुअली एन एक्शन टेकन बाय द पाकिस्तानी अथॉरिटीज. तो ये एक न्यूज है जो आपको करनी है. मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल पेजेस. ऑन पेज नंबर 6, कर्बिंग ऑन एयर बाइगट्री. सो कर्बिंग ऑन एयर बाइगट्री बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो हेट स्पीच को रोकने के लिए या फिर एक्सप्लोसिव जर्नलिज्म को रोकने के लिए गाइडलाइंस बनाए और अगर सेंटर ऐसा नहीं कर सकती तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी जगह ऐसे लॉज बनाएगा. तो इस एडिटोरियल में यही सजेस्ट किया गया है दैट वट एवर गाइडलाइंस द सेंटर मेक्स और वट एवर गाइडलाइंस द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट्स दे हैव टू बी बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्री स्पीच एंड हेट स्पीच. पहली बात तो इस एडिटोरियल में बताया गया है कि पॉलिटी में जो डिवीजन ऑफ पावर्स है या सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसको एडियर किया जाना चाहिए. तो सेंटर की ही यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इन गाइडलाइंस को बनाए ना कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सेंटर ऐसी गाइडलाइंस नहीं बना सकता या ऐसी अथॉरिटी सेटअप नहीं कर सकता तो फिर सुप्रीम कोर्ट खुद उसको करने के लिए मजबूर हो जाएगा. बट वी नो दैट दिस इज नॉट द डोमेन ऑफ द जुडिशरी, इट इज द डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू मेक सच अ रूल और सच अ बॉडी. So it is better if separation of powers is adhered to. तो यहाँ पर polity point of view से भी आपको important है. Fundamental rights में freedom of speech article 19 clause 1 sub clause A के point of view से भी important है. That is everything free to be said or expressed or there are reasonable restrictions. कुछ भी आप बोल सकते हो या कह सकते हो ऐसा जरूरी नहीं है. There are so many reasonable restrictions and does hate speech fall under one of those restrictions? The answer is Yes. तो एडिटोरियल में यही कहा गया है कि जो भी बॉडी या जो भी गाइडलाइंस तैयार की जाएं, वो हेट स्पीच को रोकने के लिए हो और वो फ्री स्पीच को कर्ब ना करें. सो अ फाइन लाइन हैज टू बी ड्रॉन. सेकेंड एडिटोरियल, अनदर बेल आउट. सो जो लक्ष्मी विलास बैंक है इट हैज बीन अंडर कंसिडरेबल फाइनेंशियल प्रेशर और उसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब उसको उस पे मॉरिटोरियम लगा दिया है. द डिपॉजिटर्स कैन नॉट विदड्रॉ मच ऑफ द मनी फ्रॉम दैट बैंक एंड दे हैव आल्सो मर्ज दैट बैंक विद अ सिंगापुर बेस्ड बैंक.
तो एक तरह से बहुत ही क्विक एक्शन दिखाते हुए आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के सारे डिपॉजिटर्स को भी अश्योर कर दिया है और सारे शेयर होल्डर्स को भी अश्योर कर दिया है. सो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस एडिटोरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड. ये पूरा का पूरा बैंक क्यों फेल हुआ, अगर बैंक फेल होता है तो कौन सी अथॉरिटीज हैं और वो कौन कौन से एक्शंस ले सकती हैं, इंक्लूडिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड वट आर इट्स इम्पैक्ट्स ऑन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स, इकोनॉमी एंड द मर्जिंग बैंक. तो ये सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू आपने प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न. तीसरा आर्टिकल जो आपको पढ़ना है, इंडियाज मास्क ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म इज ऑफ. अगेन एन आर्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो इसमें इंडिया के उस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया गया है जिसमें इंडिया ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से विड्रॉ किया है. इंडिया लास्ट ईयर विड्रू फ्रॉम आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें 10 आसियान कंट्रीज हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, ऑल दीज कंट्रीज. सो 10 ऑफ दीज कंट्रीज प्लस इट हैज साउथ कोरिया, चाइना, देन इट हैज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. सो अ टोटल ऑफ 16 कंट्रीज वर सपोज टू बी देयर इन द आरसीईपी, 16 इंक्लूडिंग इंडिया. लेकिन लास्ट ईयर इंडिया ने आरसीईपी से विड्रॉ कर लिया बिकॉज जब आरसीईपी बन जाएगा इट विल बी द लार्जेस्ट रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन द वर्ल्ड. और इससे यह होगा कि बहुत सारे सेक्टर्स में जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, जो जो कंट्रीज इन प्रोडक्ट्स में सबसे अच्छी हैं वो उन प्रोडक्ट्स को बाकी की कंट्रीज में बहुत ही कम रेट पे या नेग्लिजिबल रेट पे उसको एक्सपोर्ट कर सकेगी. और अगर इंडिया इसका पार्ट बन जाता तो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ये तीन ऐसे सेक्टर थे जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होते. दैट्स व्हाई इंडिया डिड नॉट ज्वाइन रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जस्ट टू सेव द डोमेस्टिक इंडस्ट्री. और उस टाइम इंडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे जिनको सुनते हुए गवर्नमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, अ प्रैग्मेटिक स्टेप एज पर दैट टाइम. और इंडिया की एक डिमांड रही है कि इसमें सर्विसेज को इंक्लूड किया जाए. इट इज ओनली अ गुड्स पैक्ट दैट सर्विसेज शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन आरसीईपी. लेकिन ये डिमांड इंडिया की नहीं मानी गई बिकॉज इंडिया इज गुड एट सर्विस सेक्टर, इन सर्विसिंग इंडिया इज वेरी गुड. तो अगर आरसीईपी में सर्विसेज होती तो हम नेट सर्विसेज को प्रोवाइड करा पाते इन सभी कंट्रीज में एट वेरी मिनिमल और नेग्लिजिबल एक्सपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस. लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसलिए इंडिया ने आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया. सो अब 16 की जगह सिर्फ 15 कंट्रीज हैं माइनस इंडिया विच आर एक्चुअली साइनिंग द आरसीईपी. और ये अभी कुछ दिन पहले इफेक्ट में आया है. तो इस आर्टिकल में यही एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे इंडिया ने, पहले इंडिया एक प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी रहा फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल 1991 में हमने धीरे धीरे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया और धीरे धीरे हम ओपन अप हो भी रहे थे. बट अचानक पिछले कुछ टाइम से अब दोबारा से वी आर टर्निंग इन टू अ प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी. वेदर इट इज द वॉकआउट फ्रॉम आरसीईपी इज कंसर्न्ड और द आत्मनिर्भर भारत अभियान इज कंसर्न्ड, दैट वेदर वी आर गोइंग अगेंस्ट द टाइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वेदर वी आर going against liberalization, privatization and globalization is what this article is discussing. काफी सारे इसमें facts हैं और fodder points हैं जो आप Indian economy में जहां भी आपके notes हैं वहां पर add कर सकते हो and it can be really good fodder material for your mains answer writing. तो ये article आपको अच्छे से करना है. On page number 7, OPED page, is India facing a two-front threat? सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से ये आर्टिकल आपको करना है. जो करंट सिचुएशन चल रही है, वेदर इट इज द फायरिंग ऑन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल और इट इज ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो उस कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है उस कॉन्टेक्स्ट में ये एक डिस्कशन है, एक डिस्कशन पार्ले है ये. तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके लिए निकल के आएंगे जो कि आपको सिक्योरिटी के आंसर्स अटेम्प्ट करते हुए विच कैन बी रियली हेल्पफुल टू यू. That is India facing a two-front threat. क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया एक ही टाइम पे पाकिस्तान और चाइना दोनों से उसको लड़ना पड़ जाए, a two-front war? Is that a reality? And if it happens, what should be India's response? And is India capable enough to reply to both the adversaries at the same time? ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है.
कुछ पॉइंट्स हैं जहां से जो आप अपने सिक्योरिटी में ऐड कर सकते हैं. देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेजेस. सो ऑन पेज नंबर 8, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से विलो वॉबलर स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम. एक माइग्रेटरी बर्ड है जो कि नॉर्दर्न और टेम्परेट यूरोप से आता है. इसे इंडिया में आज से पहले कभी नहीं देखा गया है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम विलो वॉबलर हैज बीन स्पॉटेड इन इंडिया. और इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज फिलोस्कोपस ट्रॉचिलस. सो इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फ्लाइंग स्मॉल बर्ड्स विच इज अ माइग्रेटरी बर्ड. और ये तिरुवनंतपुरम में देखा गया है. तो वाइल्ड लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंट इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में और स्टेट प्रीलिम्स में, दिस पर्टिकुलर न्यूज यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू नोट इट डाउन एज वेल, इंक्लूड इन योर नोट्स. सो इंपॉर्टेंट न्यूज देयर. मूविंग अहेड, पार्लियामेंट्री पैनल क्वेश्चंस ट्विटर. तो पार्लियामेंट्री पैनल्स क्या होते हैं इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? व्हाट आर पार्लियामेंट्री कमिटीज, व्हाट आर पार्लियामेंट्री पैनल्स, हु हेड्स देम, हु नॉमिनेट्स और इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ दीज बॉडीज? क्या ये लोकसभा में अलग होते हैं, राज्यसभा में अलग होते हैं, या फिर ज्वाइंट भी हो सकते हैं? ऑल दीज थिंग्स रिगार्डिंग द यूनियन लेजिस्लेचर यू हैव टू स्टडी इन योर इंडियन पॉलिटी. और यहाँ से ये पॉइंट आप ऐड करेंगे. व्हाट आर द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट्री पैनल्स, व्हाट आर द ड्यूटीज, हु कैन बी द चेयरपर्सन, ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडियन पॉलिटी की. देन मूव ऑन टू द वर्ल्ड पेज. सो दिस इज द वर्ल्ड पेज. पॉम्पियो विजिट्स वेस्ट बैंक सेटलमेंट. सो यूएस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पियो, उन्होंने वेस्ट बैंक विजिट किया है. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, एज सच दिस न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इज द इसराइल पैलेस्टीन पीस पैक्ट और वेस्ट एशिया पीस प्लान. वेस्ट एशिया पीस प्लान. कुछ महीने पहले इसराइल और पैलेस्टीन में ये पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है. और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं मिडल ईस्ट में जो पहले इसराइल के बहुत एनिमी थे, बट नाउ दे हैव बिकम फ्रेंड्स. सो दिस डील वॉज मीडिएटेड बाई यूएस प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. तो इस डील की डिटेल्स आपने देखनी है फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. बहुत सी कंट्रीज हैं जिनके अब इसराइल के साथ अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं, इंक्लूडिंग यूएई. तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन द एंटायर वेस्ट एशिया एंड मिडल ईस्ट. ये आपको करना है. Moving on to the next newspaper, which is the Indian Express. तो Indian Express में हम देखेंगे COVID वैक्सीन के बारे में. हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था. सो इसके बारे में हम अब तभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जब इस पर कोई बहुत अच्छी डिवेलपमेंट होगी. वी हैड डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस वीडियो दैट देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स दैट आर अंडर डिवेलपमेंट. वन इज बाय ऑक्सफर्ड एंड अदर इज बाय Moderna. And what are the difficulties relating to their logistical side? That the Oxford vaccine requires minus 70 degrees to minus 80 degrees Celsius for storage, which is a logistical problem for poor countries like South Asian and African countries. And on the other hand, there is a vaccine developed by Moderna that can be stored at 2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius for 12 hours, which can be a logistical boon. So, let us directly switch to the editorial pages because there's nothing today of significance. So on the editorial page pe aaj do hi articles hain jo aapko padhne hain. One is this fighting smarter. To Delhi mein jo कोरोना वायरस की नेक्स्ट वेव अभी आई है, उसको टैकल करने के लिए कुछ सजेशन इसमें दिए गए हैं विच यू शुड स्टडी. एंड अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल टुडे इज ऑन पेज नंबर 13 ऑफ इंडियन एक्सप्रेस. इट इज दिस पार्टनरशिप इन प्रोग्रेस.
इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से ईस्ट एशिया समिट को एनालाइज किया गया है. मिस्टर गुरजीत सिंह हैज रिटन दिस आर्टिकल. सो ही हैज सेड ईस्ट एशिया समिट सिग्नल्स इंडिया विल परस्यू बायलेटरल पैक्ट्स विद आसियान कंट्रीज. तो आरसीईपी से रिलेटेड ही ये न्यूज है कि इंडिया ने सिग्नल किया है कि वो आरसीईपी का पार्ट नहीं बन रहा, बट इट मे वेल हैव बायलेटरल पैक्ट्स विद ऑल दीज कंट्रीज. तो ये इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से भी और आईआर पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. सो दीज आर ऑल द न्यूज दैट यू हैव टू रीड टुडे. If you like the video, please like, subscribe and share this video and subscribe to this channel. Thank you and have a nice day.